जल जंगल जमीन पे उसी का अधिकार हो जो वर्षों से उसकी पीढ़ी यहाँ पे रहती हुई आ रही है। हमारा किसान आंदोलन, हम बोला एक किसान आंदोलन भारत के इतिहास में आजादी का पहले और आजादी का बाद मिला के भारत का इतिहास में सबसे बड़ा एक। दूसरा है ये आंदोलन में 500 किसान संगठन एक साथ मिलकर लड़ रहा है, कोई भी मतभेद नहीं है। 5 संगठन एक साथ चल नहीं सकता, 7 मन बहता हम 500 एक साथ चल रहे हैं, कोई मतभेद नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा एकता बता। तीसरा क्या है, लाखों लोग आंदोलन में है, 80 करोड़ किसान आंदोलन में है, वहां किसान एक पत्ता तक तोड़ा नहीं है, एक शांतिपूर्ण सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन। यहाँ पे नर्मदा नदी पे जो बांध बन रहे हैं उनसे यहाँ के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, यहाँ के मछुआरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके गांव बस्ती को उजाड़ा गया है। यहाँ पे विस्थापित के नाम पे अभी बहुत काम होना बाकी है। उस आंदोलन को आज 36 साल हो गए, तो उस आंदोलन के 36वीं सालगिरह पे यहाँ पे हम आए। उनकी नेता मेधा पाटेकर ने से पुराने संबंध रहे हैं, वे एक देश की बड़ी आंदोलनकारी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय भारत मरोला, मैं किसान हूँ और सरदार सरोवर बांध से विस्थापित। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम खापरखेड़ा तहसील कुक्षी जिला धार मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज आप ये किसान संसद में आए हैं, क्या मामला है? आज जो बड़वानी में किसान जन संसद हो रही है, किसान मजदूर जन संसद, इस पर खास करके आज तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो उसकी वर्षगांठ मनाई है, उसके ऊपर ही किसान मजदूर जन संसद का यहाँ पर शुरुआत करी है। आज बड़वानी में आज किसान मजदूर सभा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? रैली निकाल रहे हैं ये इसलिए हो रही है सभा, बस इतना कहेंगे पूरे देश जो है आंदोलन पहले से ही करता है, इस चीज को सीख लेना चाहिए। जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन हो रहा है ना, वो भी ऐसे आंदोलन का हिस्सा, तो हम घबराने वाले नहीं है। 36 साल से ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ से कुछ सीखना आए हैं। यहाँ कितने धुरंधर लोग हैं, मेधा पाटेकर जी और गुरजीत कौर जी है, शहीद आजम भगत सिंह की जो भांजी है, ऐसे ऐसे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद देना और सीखना आया और ये मैसेज देना है सरकार को कि जब 36 साल तक हमारे बुजुर्ग आंदोलन कर सकते हैं बिना वायलेंस के, हमारी तरफ से इतना बड़ा आंदोलन रहा है इसमें एक भी वायलेंस नहीं है, तो हम दिल्ली जो अब चल रहा है कानून और न्याय वो भी कर सकते हैं। इस आंदोलन से भी पूरे देश ने बहुत चीज सीखने को मिली है। आज उनकी 36 वर्षगांठ पे हम यहाँ पे आए, सब लोग से मिले, उनकी विचारधारा सुनी, उनके जो वर्कर्स थे उनसे मिले, उन महिलाओं से मिले जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ने का काम किया। आप भी एक आंदोलन का, बड़े आंदोलन का पार्ट है जो एक इतिहास में दर्ज हो रहा है, आप उसका भविष्य क्या देखते हैं? सरकार भी बात कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड पे भी रख दिया है, क्या एंड देख रहे हैं आप उसका? इसमें देश की जनता की जीत होगी, एंड क्या होगा उसका? कोई ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये सरकारें बचेगी, इन सरकारों को वो कानून वापसी लेने पड़ेगी। आजादी, आजादी, किसान वाले, आजादी, अरे सुन ले योगी, आजादी, अरे सुन ले मोदी, आजादी। ये जो तीन कानून है, हम तो इन्हें तीन काले कानून कहते हैं, सरकार की ये मंशा है कि ये सब निजीकरण हो जाएगी तो किसानों को सुविधा होगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आप जब निजीकरण करने जाओगे तो कल से निजीकरण के इन धनपतियों के अगर मूड बदला तो ये देश को गुलाम बनाने की कगार पर खड़ा कर देंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे कृषि पे आधारित है और करीब 70% है, बावजूद उसके उस तरह का मोबिलाइजेशन मध्य प्रदेश से देखने को किसानों इस मूवमेंट में नहीं मिला, आपको क्या वजह लगती है? नहीं नहीं मिल रहा है, ये नहीं कि फिजिकल रूप से सब लोग वहाँ पे जाएंगे, वैचारिक रूप से सब लोग साथ में हैं और ये वैचारिक क्रांति है। जब भी दुनिया में कोई वैचारिक क्रांति हुई उसने परिवर्तन किया। किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं ये लोग, भाई हमारे इतने बिचौले व्यापारी हैं जिससे उन सभी को रोजगार मिल रहे हैं, पहले ही रोजगार की इस मध्य प्रदेश में दिक्कत है, तो अब ये जो काम कर रहे हैं इन लोगों को भी रोजगार से अगर हटाते हैं तो और भी रोजगार की समस्या खड़ी हो जाएगी। यूपी चुनाव के लिए जैसा आप इससे पहले 5 चुनाव थे तो उसको लेकर के आपने जगह जगह रैलियां की, आने वाले वक्त में भी चुनाव है, यूपी बड़ा स्टेट है, तो आप कैसे देख रहे हैं, आपका वो गृह स्टेट है? आप 5 सितंबर की वहाँ एक बड़ी पंचायत संयुक्त मोर्चे की है मुजफ्फरनगर में, वहाँ से उसकी शुरुआत होगी,
और उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव है वहाँ पे भी, जहाँ पे चुनाव नहीं है हम वहाँ पे भी मीटिंगें करेंगे और पूरे देश को सरकारों की जो कारगुजारी है उसकी जानकारी देंगे। पूरा देश का किसान बर्बाद हो चुका है, मजदूर नौजवान सारे जो देश के संसाधन है वे बिक चुके हैं, बड़ी कंपनी के हवाले जा चुके हैं, ये देश की जनता को बताना पड़ेगा। आज यहाँ बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूरे होने पर इस विशेष किसान मजदूर जन संसद का आयोजन किया गया है। वो एक तरह से किसान आंदोलन के इतिहास में, इस इलाके के किसानों के इतिहास में मील का पत्थर है, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश के आंदोलनों को एक नई भाषा दी, किसान की एक नई परिभाषा दी है, आंदोलन की नई व्याकरण दी है और लड़ने की एक नई ग्रामर दी है। उसका उससे पूरे देश के किसान पूरा देंगे और अब किसान और मजदूर के गठबंधन को अलग नहीं किया जा सकता। जो ये कानून धड़ाधड़ पास कर रहे हैं इन, ये बंद होंगे और देश की जनता की आवाज को उनको सुनना पड़ेगा। Thank you.